फ्रेंड्स, तो आज आपके सामने बिलियन पार्ट का केमिस्ट्री का, ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का बिलियन पार्ट का मोलरता, नॉर्मलता, मोललता तीनों में जो भी क्वेश्चन आता है बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। ऐसे इजी तरीके से आपको कोई नहीं पता होगा 100%। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना इसमें, अभी आप कभी भी मोलरता मोललता नहीं निकाल पाते हैं ना, जो तरीका है बुक में आपको दिखाया गया है वो आपको समझ में नहीं आता ना, मेरे समझाने का तरीका भी आपको पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपको एकदम देहाती मॉडल, एकदम सीधी भाषा में, एकदम सीधे लैंग्वेज में, बेसिक फुलिश दिमाग जो होता है उसके आधार पर मैं इसको बताऊँ कि आपको 100% समझ में आ जाएगा और आपको पेपर में जब भी मिलेगा करके आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लग जाए ना तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर न्यूमेरिकल हल करना हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, अगर मैथ में भी, साइंस में, तो मेरी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर एक बार हम लगाएंगे, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन कैसे इसमें होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हमें इन सबको कैसे निकालना है। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लगा कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला हुआ है। बिलियन की मोलरता की गणना करना, बिलियन की मोलरता की गणना करना, साथ ही साथ जो उसके परमाणु क्रमांक है उनको दिया गया है, उसके परमाणु भार को दिया गया है, मतलब जो भी चीज़ें हैं दी गई क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब यहाँ पर मोलरता निकालना है, इसको आपको कैसे समझना है, मोलरता के कैसे निकालना है। देखिए, मोलरता आपको इस तरीके से निकालना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें दिमाग में यही समझना है कि जब मोलरता निकालना है बिलियन, आपको समझना है बिलियन क्या है। विलियन एक होता है आपका जो मिक्सचर, समझ लीजिए मतलब कोई चीज़ की है जिसमें आपको विलय किया गया है, कोई चीज़ विलय किया गया है, तो बिलियन में आपका दो चीज़ होगा। पॉइंट इसको जरूर नोट करिएगा आपकी समझ में ताकि आ जाए। ठीक है, विलयन है तो विलयन जो बनता है वो हमारा बन जाता है, एक आपका विलय हो जाता है, क्या हो जाता है, विलय, एंड दूसरा आपका हो जाता है विलायक, क्या हो जाता है, विलायक। ठीक है, दो चीज़ें इसमें हो जाती हैं, विलय जो होता है वो कम होता है और विलायक जो होता है वो ज़्यादा होता है। मैं ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ना कि इसको आप दिमाग में, बस इसमें समझिए, विलय जो होता है कम होता है, विलायक जो होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, तो इसमें अब विलय में कोई चीज़ घुलता है, ये क्या होता है, घुलता है, और ये घोलता है, ये घोलता है। पॉइंट बी नोटेड, ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, इसे आपको बातें समझ में आएगी, आखिर करना क्या होता है, आखिर ये चीज़ें विलय, मतलब जो चीज़ें घुल गया, कोई चीज़ घुल गया वो विलय हो गया, जो घोल लिया, जिसने घोल लिया वो होगा विलायक हो गया। विलायक ज़्यादा होता है, मतलब आपको अगर मिल गया कि पानी में आप नमक मिलाए, पानी में आप नमक मिलाए, तो आप समझ जाए कि पानी क्या हुआ, आपका विलयन का आपका एक विलायक हुआ मतलब, और जो विलय हुआ वो आपका नमक हुआ, तो ये क्या हुआ, विलयन हमारा हुआ। तो इसी तरीके से सवाल में आपको भी पूछा गया, उसमें बताया गया है कि इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड, देखिए इसको आपको जो सूत्र बनाना होता है कि अगर ये सोडियम क्लोराइड कैसे बनाए, इसको कैसे बनाए, इस पर हम पर्सनल वीडियो बनाएंगे भी और मेरे चैनल पर पड़ी भी है, एकदम 100% आप बना भी लेंगे। केमिस्ट्री की बेसिक क्लास है हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा आखिर ये सूत्र कैसे बनते हैं, सोडियम क्लोराइड आखिर इसको क्यों सोडियम क्लोराइड नाम दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो सोडियम क्लोराइड सबसे पहले नाम हमारा क्या है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये है हमारा। तो सोडियम क्लोराइड आप कैसे इसको समझेंगे, सोडियम को हम बोलते हैं Na और क्लोराइड को बोलते हैं Cl, मतलब क्लोरीन, सोडियम ये Na हो गया, तो ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। बाकी ये सारे कैसे बनते हैं सूत्र, उसको हम वीडियो पर्सनल लेकर आएंगे केमिस्ट्री की, कैसे NaCl क्यों तैयार हुआ, H2SO4 क्यों तैयार हुआ, क्यों हमें एक CaCO3 बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, HCl को क्या बोला जाता है, H2SO4 को क्यों सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, क्यों उसको H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे उस पर, वो वीडियो जरूर देखना, पहले इसको आप समझ लीजिए। तो NaCl जो है हमारा क्या है, बोला गया कि NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो 200 मिली जल में घुला है, 200 मिली, एक बात और बताया गया है कि 200 मिली जल है, क्या है, 200 मिली जल है, ठीक है, 200 मिली जल है। एक बात ये बोला गया कि जल भी है और सोडियम क्लोराइड भी है। अब आप इन दोनों में आप खुद ही समझिए कि आखिर कौन विलेय है कौन विलायक है, बात समझ गए होंगे बिना बताए, आप समझ गए कि विलेय कौन सा है विलायक कौन सा है, विलेय आपका ये होगा विलायक आपका ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो बोला गया सोडियम क्लोराइड आपका बोला गया है कि इतना ग्राम है, ये सीधी बात बोला गया है आपका, ये आपका ग्राम कितना है, पॉइंट इतना,
5.85, ये इतना ग्राम है, इतना ग्राम तो ये है, और ये कितना है ये समझ लीजिए 200 ग्राम है। बात समझिए, मिली में है पर इसको हम ग्राम में अगर समझ रहे हैं, ग्राम मत लिखिए अभी, ये ग्राम समझ, तो बताइए ये इतना ग्राम है तो ज़्यादा कौन सा हुआ, ये हुआ ना, तो मिला ज़्यादा हुआ, ये भी इस बात समझ में आ गई। अभी हम इसको हम बेसिक समझ रहे, बाकी आपको जो ये सूत्र याद मत करना, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सवाल लग जाएंगे, ठीक है। देखिए अब हमें ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो गया तो हमें क्या करना होता है कि जो विलयन की मोलरता निकालना होता है, विलयन की मोलरता निकालना होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, ये होता है विलय, बात समझिएगा, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या, ये हो गया। उसके बाद आपका विलयन का, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। सीधी बात बोला जाए तो विलयन का यानी विलायक का, इधर ऊपर विलय तो इधर आपका विलायक, ये चीज़ आपका अगर मोलरता निकाला जा रहा है तो लीटर में होगा, और मोलरता निकाला जा रहा है तो ग्राम में होगा। ये सारी चीज़ें आपको बाद में ध्यान देते रहिएगा, यहीं पर आपका चेंज होगा, जो चार पार्ट जब इसका हम बनाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हमें ये सब आपको भी नहीं समझ में आएगा, आखिर ये सर ये तो सूत्र आप लिखवा दिए, यही तो हमें नहीं आता है, आप इसको भी कोई ज़रूरत नहीं, इसको नहीं समझो, हमें समझना है कि विलय का हमें मोलों की संख्या निकालना है। मोलों की संख्या बात फंसाती है, मोलों की संख्या कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा कि मोलों की संख्या क्या होता है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा कि मोलों की संख्या कितने मोल हैं, कितने मोल हैं, मतलब हम किसी विलयन किसी चीज़ को मिला रहे हैं तो उसमें अणु जो हैं कितने अणु हैं कितने मोल में, मतलब हमें ये चीज़ समझना है। तो मोलों की संख्या जो होता है आखिर ये कैसे बनता है, ये हमारा तैयार होता है कि जो ये हमारा है जो विलय है, ठीक है, विलय का भार, विलय का भार, ठीक है, विलय का जो भार है वो विलय का भार और इसका बटा विलय का अणुभार, ठीक है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ये हो गया विलय का भार, विलय का अणुभार, ये समझने वाली बात है, इसको आपको याद करने वाली, बस हम को समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए कैसे कि हमें बात फंस रही है कि हमें मोलों की संख्या निकालना है, जो चीज़ घुल रहा है दिमाग में डालिए कि आखिर मोलरता निकालना है तो हमें जो चीज़ कौन है आया घुल रहा है, कौन आया घुल रहा है, विलय आया, अच्छा विलय आया है तो उसको मोलों की संख्या निकालो, मोलों की संख्या कैसे निकालो, अच्छा विलय की मोलों की संख्या नमक है, तो नमक है तो नमक कितना नमक है, अच्छा इतना है तो उसके अणु कितने मिले हैं, बस यही काम करना है कि विलय का भार, वो भार जो जितना है और उसके अणु भार आखिर होते कितने हैं, ये बटे में रखेगा। तो सीधी बात हमें फंस के ये आती है कि हमें सबसे पहले विलय का भार निकालना होता है। अब हम सीधे सीधे बात पर चलते हैं, पॉइंट हमें क्या क्या हल करना होता है, जब भी कभी भी सवाल मिलती है तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले करना होता है, हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे विलय कहाँ है सवाल में, विलय कहाँ है सवाल में, विलय विलय पे टूट पड़ेंगे, विलय का भार झोंक देंगे, विलय का भार हम लिख देंगे, तो विलय का भार का मतलब हमें NaCl का भार, अब हम सवाल यहाँ से लगा रहे हैं NaCl का भार जो कि लिखा है इतना ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम, ठीक है, ये हो गया। इस NaCl का भार के बाद हम चलते हैं NaCl के भार के बाद NaCl का अणुभार, मतलब पहले भार तो उसके बाद अणुभार, तो NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार, ठीक है, NaCl का अणुभार NaCl का भार और NaCl का अणुभार, मतलब विलय का पहले भार फिर उस भार में उस जो हमने विलय मिलाया, जो तत्व हमने जो यौगिक मिलाया उसमें हमारा अणुभार, उसके अणु कितने हैं, मतलब भार के बाद अणुभार, दिमाग लगे पहले भार फिर अणुभार, तो अणुभार कैसे निकाला जाता है इसका हमारा परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो मैंने पहले बताया कि अणुभार निकालना, परमाणु क्रमांक याद करना, परमाणु भार याद करना, पूरा और सारणी बनाना और सारणी के सारे तत्वों को याद करना, मैं वीडियो बनाया हूँ बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, देख लेना। तो NA का जो होता है, NA का आपका देखिए दिया गया है आपका क्वेश्चन में 23 दिया गया है, कितना दिया गया है 23, तो आप 23 लिखिए, जितने अणु हो इसमें 1, 2, 3 घात ऐसे लगा रहता है ना नीचे ऐसे, वो जितना बार रहा है आप गुणा कर दीजिएगा, बस यही काम करना। और Cl का देखिए दिया गया कितना, Cl का देखते हैं तो आपका दिया गया है 35.5, तो 35.5 ये आपका दिया गया, अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा निकलता है 5 इतना, ठीक, ये 58.5 हमारा टोटल निकलता है, ये हो गया।
हमने विलेय का सारी चीज निकाल लिया है। विलेय के बाद अब हम विलायक पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? विलायक पे चलेंगे। विलायक में हमारा जो है क्या होता है, तो विलायक में हमारा वही उसका कितना भार है वही टोटल होता है, आपका भार ही होता है। तो सीधी बात, जो हमारा NaCl है तो इसको लिखा कैसे जाएगा ये बात समझ। NaCl विलयन, NaCl विलयन का आयतन, NaCl से जो विलयन बना है उसका आयतन कितना है, जिसमें हमारा विलायक 200 ml है और 200 को अगर हम ml लीटर से चेंज करेंगे क्योंकि लीटर में होगा लास्ट में, तो 1000 से इसमें अगर हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये 0 0 कट गया, बच रहा है 10, 10 का मतलब एक अंक क्रॉस हो गया दशमलव, इतना लीटर हो गया, इतना लीटर हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये तो आयतन निकल गया। जब हमारी सारी चीज़ें निकल गई तो अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने समझ गया, तो देखिए विलेय, सबसे पहले विलेय का भार मतलब NaCl का भार, फिर अणु भार, फिर मोलों की संख्या निकाल लीजिए, बस काम खत्म। सबसे पहले आप इसको निकालिए, फर्स्ट नंबर पर इसको, दूसरे नंबर पर इसको, और तीसरे नंबर पर आप इसको निकालिए, तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पर आप इसको निकालिए, बस ख़त्म, ठीक है। पहला आपने निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा कैसे ये निकलेगा, ये विलेय का भार मतलब इसको और बटा इसको, जो पहले निकाले इसको ऊपर, जो बाद में निकाले इसको नीचे, ऐसे कर दीजिए, जो पहले निकाले इसको ऊपर नीचे ऐसे कर दीजिए। 58.5 इसमें हमारा यहाँ दशमलव है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और इसमें हमारा दशमलव यहाँ पर है, ये हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या, अगर हम इसको मोलों की संख्या इसको काट देंगे, दशमलव का अंतर है तो दशमलव, देखिए इसमें एक अंक पर है तो इसमें आप 10 का गुणा करिए, इसमें दो अंक पर है, इसमें 100 गुणा करिए, 100 का बच रहा है 10, आप इसको काट देंगे दशमलव जब हटाएंगे तो ये दशमलव हटा हुआ माना जाएगा, और इसको हम काट देंगे तो एक आएगा, और एक के बाद ये 0 है मतलब बटा 10 है, और इसको हमने 0 को मतलब एक अंक दशमलव इधर आना चाहिए, मतलब ये हो जाएगा, इतना हमारा मोल हो गया ये। अब हमारा तीसरा के बाद चौथा काम हमारा कौन सा करना है, चौथा काम हमारा ये करना है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हमारा निकला है 0.1 में, बटा में आपका जो निकला है विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का आयतन लीटर में ये निकाले हैं, ठीक है। इसको तीसरे काम चौथे के बाद और इसके बीच में, दूसरे के बाद आप तीसरे के इसको भी निकाल लेंगे, तीसरे किसको निकाल लेंगे, ये दोनों तीसरे के बाद आप इसको करिए कि आप चौथा काम ये कर लीजिए, इसको आप मन कहे तो सीधी बात आप चौथा काम ये कर लीजिएगा, सही रहेगा। पहला दूसरा, पहला दूसरा, उसके बाद तीसरा के बाद चौथा काम ये करिए, चौथे के बाद आपका पाँचवा काम ये करना है, बस आपका सारे सवाल एकदम 100% हल हो जाएगी। अब यहाँ पर ये काम हो गया, इसको हम ले जाएंगे रखेंगे कि हमारा ये कितना है 0.2, दशमलव बराबर अंक पर है, इसको काट देंगे, दशमलव दशमलव कैंसिल, एक का दो दस में भाग करेंगे, पता है कि आपका जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं यहाँ पर हमारा 10 बनेगा, और 10 बटा 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 2 × 5 = 10, क्यों हुआ, दशमलव लगाए मैंने इसमें 10 बना, मैंने इसमें दशमलव लगाया 10 बना, ऐसे 10 नहीं बना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बस इतना हमारा मोल, मोल अर्थ है तो आप मोल और प्रति लीटर लिखिएगा, मोल प्रति लीटर लिखिएगा, ऐसे ही सवाल को लगाना है, ऐसे ही आप लगाएंगे। अगली सवाल को मैं आपके सामने लगा के दिखाता हूँ, देखिए फास्ट तरीके के लगाएंगे, कुछ भी इसमें हम मिटाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा चेंज जो होगा वही इसमें से हमें रफ करना है, बाकी कुछ भी नहीं हम इसमें से मिटाएंगे, ठीक है। देखिए सवाल जो है कि है क्या, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर जो है पोटेशियम क्लोराइड है, KCl है, इतना फ़र्क है, इसका जो भार दिया गया है ये 15 ग्राम है, ध्यान दीजिएगा ये कितना है 15 ग्राम है, ठीक है। और ये जो हमारा है ये 1 लीटर जल में है, कितने लीटर में, 1 लीटर में, तो ये हमारा 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर है, यहाँ पर 1 लीटर जल है, 1 लीटर है। अब हमारा इसका मतलब आप पता करेंगे कि NaCl की जगह हमारा KCl हो गया, KCl हो गया, KCl हो गया, KCl और KCl, KCl का भार जो हमारा निकला है 15 ग्राम निकला है, कितना निकला है 15 ग्राम निकला है। उसके बाद KCl का हमें क्या निकालना होगा, अणु भार निकालना होगा, तो KCl का अणु भार निकालेंगे, K का हमारा परमाणु क्रमांक प्रश्न में दिया गया है 39 होगा, तो यहाँ पर 39 होगा, प्लस हमारा वो ये वही होगा, इसको अगर हम योग करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 74.5 आएगा, ये हो गया।
दूसरा काम मैंने पहला दूसरा कर लिया, तीसरा काम कर लेते हैं। तीसरा मतलब इन दोनों को बटा में कर लेते हैं, इन दोनों को हम बटा में कर लेते हैं, 15/74.5 ये बटा में कर लेंगे, इन दोनों को हम काट लेंगे, इन दोनों को रख के हम काट लेंगे। और इसको काटने के लिए बहुत ही लेंदी होगा, ये 74 जगह हम 75 मान लेते हैं, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 पचे 75 मान के चलते हैं कि 5 बार जाएगा, मान के चलते हैं हम यहाँ पर दशमलव हटाना है, इससे अपेक्षा हम इसको 75 कर देते हैं, 15 पचे 75, सीधी बात अगर समझें तो 15 एक कम 15, 15 पचे 75 मतलब इतना आएगा दोस्तों। और इसको हम काटेंगे 0.2 आएगा, मान के चलिए वैसे मोटा मोटा हिसाब चल रहे हैं। और हमारा अब यहाँ पर जो इसमें जल है, मतलब जो हमारा बिलियन केसीएल में हमारा जो जल है वो हमारा 1 लीटर है, कितना है 1 लीटर, 1 लीटर मतलब इतना, 1 लीटर मतलब इतना हुआ, ठीक है, लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में ये भी ये दोनों को काट दिए तो हमारा आ गया 1 लीटर, कितना आ गया 1 लीटर आ गया ये चीज़। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सवाल में हमारा रखना होता है मान, सवाल में हमारा जो मान रखना होता है वो हमारा रखना होगा यहाँ पर कि एक आपका मोलों की संख्या कितना है, 2 आया, मोलों की संख्या कितना है 0.2 आया, और हमारा जो लीटर मान आया है वो हमारा कितना आया है, 1 आया है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यही फिर से आ जाएगा 0.2। देखिए आप इसको नहीं कर पाएंगे, इसको आप डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। मैंने इसको कैसे डिवाइड किया है ये वाली पोर्शन को आप समझ सकते हैं, मैंने इसको 74 की जगह मैंने इसको 75 माना, तो 15 और ये 75 माना, ठीक है, दशमलव को मैंने समझा ही नहीं, दशमलव को ना के बराबर समझा, क्योंकि मैंने इसमें 5 ऐड करना है, बस ये हो जाएगा 74 जगह 75। तो यही काम प्रोसेस किया और ऐसे ऐसे ये हो गया। तो आपको भी ऐसे करना है, एक बार रिवाइज करता हूँ दोबारा, दूसरे पार्ट में और अच्छी तरीके समझाऊंगा, इस पार्ट में इतना ही समझा है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मेरे सेकंड चैनल मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल को सर्च कर लीजिए, नहीं डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, नहीं तो इन डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला काम करना है आपको पूरे सवाल को देखना है, आपको बिलेड ढूंढना है जो घुलता है, जो उसमें लिखा रहेगा कि इसको इसमें घोलने पर, तो उसका हम पहले भार फिर अणुभार, भार और अणुभार को दोनों को भाग दे देंगे, जैसे लिखे पहले भार निकालेंगे, अगर अणुभार फिर निकालेंगे, पहले भार फिर अणुभार, तो आप भार बटा अणुभार कर दीजिए तो मोलों की संख्या निकल जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए विलायक पर, मतलब कितना ग्राम जल पानी जो भी है वो कितना है उस पर हम जाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे उसमें भी लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, जितना लीटर रहेगा उसमें हम 1000 से भाग कर देंगे, तो मेरा 1000 ml पहले से था, 1000 से 1000 करके एक ये मैं अगर विलायक का निकाल लिया कितना लीटर बिलियन है, उसको निकालने के बाद अब हम करेंगे उन दोनों उत्तर को ले जाकर के बटा में रख देंगे, बस यही काम करना है। पहले जो निकाले थे उसको पहली जगह, दूसरा जो निकाले उसको दूसरी जगह, मतलब पहले दूसरी क्रम बाय क्रम मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ भी जाएगा, 100% पक्का आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो फिर व्हाट्सएप नंबर 9792506169 पर आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर चैट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।